ये पक रही है चिकन की यखनी। पुलाव के लिए तैयारी चल रही थी और ये मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी छोटी वाली चाँप पे। इनको मसाला लगा के मैंने मैरिनेट किया हुआ था। इनको भी मेरे ख़्याल से 15-20 दिन हो गए थे मैरिनेशन को। और ये बड़ी एक चाँप थी, इसको मैं कर रही हूँ स्टीम। तो ये दोनों पहले से लगे हुए थे मसाला। सोहा वाओ, यू आर प्लेइंग सो वेल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, द एक्चुअल प्लेयर एंड द फेक प्लेयर। हे सोहा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? यस आई एम कर चापे। ऑलमोस्ट पानी खुश्क होने वाला है इनका। And they will be done. तो जी, चापे हो गई हैं हाफ डन। और ये जो इसका लेफ्ट ओवर मसाला है, बस ये भुन रहा है, उसके बाद ये मसाला मिला देंगे उसी के अंदर। तो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आज है मंडे का दिन और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, पर अभी जो बारिश का टाइम था पहले वो 4 बजे से था, पर अब बढ़ के फिर हुआ था 6 बजे, फिर 8 बजे और अब चला गया 10 बजे। तो लेट्स सी कि बारिश होती है कि नहीं होती। तो हमने क्विक प्लान कर लिया अनिका नकिया जी की दावत, जिसकी तैयारी कर रखी थी, जिसमें मैंने चॉप्स में मसाला लगा दिया था और एक फुल चाप थी उसको भी स्टीम करने के लिए मसाला लगा दिया था। चिकन पुलाव बन रहा है, स्कीवर्स हैं, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वील मेक सालन और वील फ्राई द शामी कबाब। ठीक है जी, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो गो एंड वॉच इट आउट। तो इस तरीके से मैंने एक्सेस ऑयल जो है वो छान लिया है चापों का। मैंने ऑयल नहीं डाला था, ये बकरे की अपनी ही चर्बी में पका है, तो ये निकला है ऑयल। तो वो छान कर हम सिर्फ जो मसाला लगाया था वो निकाल लें, क्योंकि इसमें सारी हरी मिर्चें, काली मिर्च, कच्चा पपीता ये सब है, तो इसमें फ्लेवर होगा। तो इसको हम गोश्त में मिला देंगे। लेट्स डू इट। ये ठीक है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे एंड कॉर्नफ्लावर। जी, डल गया है कॉर्नफ्लावर एंड अंडा, अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो जी, अभी हो रहे हैं स्कीवर्स और ये अंडा और कॉर्नफ्लावर मिला के रखा हुआ है, तो स्कीवर्स हो जाएं, उसके बाद हम करेंगे चापे। और दिखाती हूँ, ये है जी बड़ी वाली चाप, तो इट्स डन, ये डन हो चुकी है। ठीक है जी, तो जी यहाँ बन रहा है पुलाव का भंगार, ये हो रही हैं चाप फ्राई और कुछ चापे हो चुकी हैं फ्राई, स्कीवर्स भी हो गए हैं। नीचे से निकाल लो या ऊपर, इसमें इसमें आ जाएगा तो इसमें नहीं, नहीं प्लास्टिक में थोड़ी, यहाँ से निकाल लो ना कैबिनेट से प्याला। पुदीने भी डाल लो। नहीं, इसको पसंद नहीं होगा ना। नई नई कुल्फी आ जाएगी, आए बैठे, आए 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 मिस्टर प्रेसिडेंट। सोहा, आप कहाँ कर लियो? मैं तो ऊपर ही बैठ जाऊंगी, यहाँ पे सोहा के पास, मम्मी के साथ, मम्मी के साथ मैं बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी रहे, वहीं आपके बराबर में बैठ जाऊंगी। ये हमने नहीं खाई थी, तुमने खाई थी? मैंने नहीं खाई थी, इससे नहीं खाई थी, खाई नहीं खाई थी, क्या हो गया, खाई थी? मैंने भी नहीं खाई थी। ये खाली होगी घर में, मुझे यकीन है, जब बन रही होगी। नहीं, उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया था पहले। तो जी, नकिया जी, अनिका की हो गई है ईद की दावत डन टनाटन, और अभी फटाफट वो लोग खा के निकले, भागे। टाइम हो रहा है 6:45 का, और मैं बताती हूँ कि वो क्यों भागे, मैं आप लोग को इनको बताती हूँ, दिखाती हूँ, आप लोग देखें। क्योंकि आ रही है बहुत घटा और बादल एकदम आसमान पे ना फुल भर गए, ये देखिए। इस वजह से वो लोग फटाफट निकल गए हैं, और अब मैंने भी सब समेट दिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकंड रुके। तो जी, कपड़े वपड़े धुल गए हैं, किचन सारा सिमट गया है, एंड अब मैं करूँगी थोड़ा सा अपने बेड पे लेट के रेस्ट। तो इट्स माय रेस्टिंग टाइम,
और बाकी आगे कुछ और शूट करने वाली हूँ या नहीं, अगर किया तो डाल दिया जाएगा, अदरवाइज़ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप सबको ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।